हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पीआईआर सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। इसको मोशन सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सेंसर, पीआईआर सेंसर। ये ह्यूमन बॉडी से जो इंफ्रारेड वेव्स किरणें निकलती हैं वो इस लेंस के ऊपर पड़ती हैं। ये लेंस, ये वाइट कलर, गुमज कलर का जो दिख रहा है फुटबॉल के जैसा थोड़ा सा, इसके ऊपर जब इंफ्रारेड रेज पड़ती हैं तो ये इसके ज़रिए पायरो सेंसर, इलेक्ट्रिक सेंसर है हमारे पास। इसके अंदर मैं खोल के दिखाऊंगा, पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर उसको डिटेक्ट करता है और आउटपुट सिग्नल के द्वारा हमें आउटपुट देता है। ये एनिमल बॉडी से भी निकलने वाली आईआर इंफ्रारेड रेज को लेता है और ह्यूमन बॉडी से भी ये वहाँ से लेता है। जैसे हमारा फेस खुला है, हमारे हैंड्स हाथ खुले हैं, उस बॉडी पार्ट से ही ये सेंस करता है, डिटेक्ट करता है आईआर सेंसर को, आईआर रेज को। और अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा, इसके अंदर जो पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो दिखाऊंगा आपको अभी। आज हम इसके, ये जो गोबज सा है, ये लेंस लगे हैं इस पर, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं लेंस, ये लेंस लगे हैं, ये नीचे का हिस्सा है ये देखो। और इन लेंस के ज़रिए ही रेज पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर पर पड़ती हैं और वो डिटेक्ट करता है और आउटपुट सिग्नल के द्वारा हमें आउटपुट देता है। अब मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये होता है पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये देखिए, ये सेंस करता है, डिटेक्ट करता है। ये इस पे सीधी ही हमारी किरणें पड़ती हैं, सीधी ही रेज पड़ती हैं इसके द्वारा। ये इन लेंस इस पे सीधी ही डालते हैं 180 के हिसाब से, ऐसे जैसे सीधी ही डालते हैं 180 डिग्री के हिसाब से ये इस पर डलती हैं। ये इसकी पिन भी हम देख लेते हैं, पिन्स एक पे देखो, नहीं तो ये दिखती नहीं है, बंद होता है इसलिए बाहर से पता नहीं चलता, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करना है। ये देखिए, इधर हमारी बीसीसी है, पॉजिटिव देनी है, ये हमारी बीच वाली हमारी आउटपुट है, आउटपुट की पिन है, और ये हमारी जीएनडी लिखा है, ग्राउंड पिन है। बीच वाली आउटपुट है और दूसरी ग्राउंड है, और इधर सबसे पहले बीसीसी है। तो ये खोल के तो हमें लिखा हुआ मिल रहा है, हमने ऊपर से ये खोल दिया तो दिख रहा है, जब इसको बंद कर देंगे तो हमें दिखता नहीं, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे वो होती हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए, ये रेज जो सीधी हमारे फेस से, हैंड से, जो हमारे ढके हुए हैं उनसे, जो ये आईआर रेज हमारी पड़ती हैं, इस लेंस के ऊपर पड़ती हैं, लेंस के जरिए ये पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट करता है और फिर हमें आउटपुट सिग्नल से आउटपुट मिलती है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो येलो कलर के दो हमारे क्या चीज़ हैं। ये हमारे एक तरह ये पोटेंशियोमीटर हैं, पोटेंशियोमीटर। एक है टाइम एडजस्टर और एक है डिस्टेंस एडजस्टर। इससे हम
एक से तो हम टाइम डिस्टेंस करते हैं, जैसे कि हमारा कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक ये टाइम डिले हो, और इससे, और ये जो है ये डिस्टेंस, ये कम से कम 5 मीटर की दूरी तक काम करता है, और ये 5 मिनट तक, 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड और मैक्सिमम 5 मिनट तक टाइम डिले हम इस पे कर सकते हैं सेट। और ये जो है ये हमारा एक टाइम, ये टाइम डिस्ट इससे हम टाइम डिले सेट करते हैं, और एक से हम डिस्टेंस सेट करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 6 मीटर ही होता है तकरीबन, और मिनिमम ये इधर वाला टाइम वाला डिले 10 सेकंड से 5 मिनट तक होता है। इसको हम स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से घुमाते हैं, मतलब पेचकस से इसको हम घुमाते हैं और वहाँ अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, लेकिन ये असल में है डिस्टेंस एडजस्टर और टाइम एडजस्टर भी कहते हैं, जैसे मर्जी इसको बोल देते हैं हम। और ये इधर से, अब हमने बंद करा हुआ तो हमें पता नहीं चल रहा कि पिंस कौन सी, बीसीसी है, कौन सी ग्राउंड है, कौन सी आउटपुट है। ये जो रेड कलर का एक कंपोनेंट दिख रहा है जेनोडायोड है, जिस तरफ से जेनोडायोड लगा है उस तरफ से हमारी पिन नंबर बीसीसी है, और बीच वाली आउटपुट है, और तीसरी हमारी ग्राउंड है। जेनोडायोड की तरफ से हमारी बीसीसी वायर लगेगी, मतलब कनेक्ट करेंगे हम इस पे पॉजिटिव सप्लाई, और इधर ग्राउंड और बीच वाली आउटपुट। ये थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।